अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं, बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। नजर डालते हैं बड़ी खबर पर। सरकार कंपनी ONGC का ऑफर फॉर सेल लॉन्च कर सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार इसमें अपनी 5% हिस्सेदारी बेच सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ONGC में अपनी हिस्सेदारी बेचकर 10,000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। ICICI सिक्योरिटीज और मॉर्गन सिक्योरिटीज इस डील के बैंकर नियुक्त किए गए हैं। वहीं आपको बता दें 29 मार्च यानी मंगलवार को BSE पर ONGC के शेयर 3% गिरकर 171.05 रुपए पर बंद हुए हैं। पिछले हफ्ते CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने कहा कि पिछले 4 साल में 11,276 करोड़ रुपए का 38 लाख टन कच्चे तेल का नुकसान हुआ है। इसकी वजह से ONGC के वेस्टर्न ऑफशोर फील्ड में वाटर इंजेक्शन योजना से कम रहा। वाटर इंजेक्शन के मायने हैं कि कुओं से तेल निकालने के लिए उनमें पानी डालना पड़ता है। CAG ने संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में कहा कि कंपनी ने कुओं से तेल निकालने के लिए पानी डाला था। मुंबई तट से दूर ONGC के पुराने तेल के कुओं से अब प्रोडक्शन कम हो गया है। इनमें मुंबई हाई, नीलम और हीरा फील्ड्स शामिल है। इन कुओं से बाकी तेल निकालने के लिए पानी इसमें डालना पड़ता है। तो ये थी बात कि सरकार ने ONGC का ऑफर फॉर सेल लॉन्च जो है वो अभी कर सकती है। तो बड़ी खबर में अभी बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।